1859 के बाद तकरीबन 60 सालों तक देश में आंदोलन की कोई लहर नहीं देखी गई। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की सत्ता संचालित होने लगी। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे स्कॉटलैंड के ए हो ह्यूम। अब लोगों को इंतजार था एक ऐसे नेता का जो देश को आजादी दिला सके। 1857 के विद्रोह को दबाए जाने के बाद अंग्रेजों की देश में तानाशाही और बढ़ने लगी। उधर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए और देश की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देने के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आए और किसानों के आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से उन्हें तुरंत वहां से जाने को कहा। चंपारण के कमिश्नर के आदेश को मानने से महात्मा गांधी ने साफ इनकार कर दिया और किसी भी तरह का दंड भुगतने का फैसला किया। गांधी जी का इस तरह का कदम देशवासियों के लिए नया था। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में मिली सफलता से गांधी जी खासा उत्साहित थे। चंपारण में अहिंसा के दम पर गांधी जी ने अपनी बात मनवा ली, लेकिन पंजाब में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दिन रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे। मैदान में जाने का एक छोटा सा दरवाजा था, तभी अचानक जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। मैदान के एक कुएं से कई लाशें निकाली गईं। इस घटना का बदला लेते हुए बाद में पंजाब के उधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। जलियांवाला बाग कांड ने देश के साथ दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसी के साथ ही आजादी की लड़ाई में एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। अनिल सपड़ा, ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कृष्णानगर, जिला कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी। 70वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।